स्टार्टिंग में जगह तो आप लोगों ने देख ली होगी, मैं बता देता हूँ प्लेस का नाम। प्लेस का नाम है बिहारीनाथ, ये पीछे रहा पर्वत। और एक्चुअली मेन जो बिहारीनाथ का जो मंदिर है वो उस तरफ है, सारे लोग वहाँ पे पिकनिक कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आके खुले में। ये देखो मतलब तो खुला नहीं है, पहाड़ के नीचे अवस्थित। और ये रहा रोड, ये रहा रोड, रोड से थोड़ा दूर आके ऐसे थोड़ा सा खुला मेला जगह पे, थोड़ा सा झाड़ियाँ है, यहाँ पे आके पिकनिक कर रहे हैं। ये देखो सामान सारा। चलो बैठते हैं यार, धूप बहुत है। सर्दी का मौसम है लेकिन फिर भी धूप बहुत है। तो मेन बात वही है कि भाई इतना ज़्यादा पिकनिक हो गया, मतलब एक पिकनिक हुआ, ये दूसरा वाला पिकनिक चल रहा है, फैमिली के साथ है। फैमिली मतलब मेरी जो दीदी हैं, उन्होंने बिहारीनाथ कभी आए नहीं, वो तो उन्होंने कहा कि चलो बिहारीनाथ चलते हैं पिकनिक के लिए, थोड़ा मोटा पिकनिक भी कर लेंगे। और यहाँ पे कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है भाई। चलो कोई बात नहीं, तो वही है कि आए यहाँ पे फैमिली को लेके पिकनिक करने। प्लेस बहुत सही है यार, पहाड़ जहाँ पे है ना, पहाड़ और नदी, ये दोनों चीज़ों से मुझे बहुत प्यार है। पहाड़ से भी, नदी से भी, जंगल से भी बहुत प्यार है। मतलब मस्त जगह है यहाँ पे। और रिसेंटली जो है, मतलब एंड करना पड़ेगा ना 31st को वीडियो, अकेले ही करना पड़ेगा, क्या ही कर सकते। सनी का जो है बीमार है, सनी थोड़ा बहुत, तो मैंने 30th तक तो भाई वीडियोस डाल दिए हैं, वो अपलोड होते रहेंगे, आपको देखने को मिलेगा। 30th तक सनी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वो पहले शूट किए हुए वीडियोस हैं, इसी वजह से उसमें सनी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 31st वाला वीडियो मुझे ही बनाना पड़ेगा अकेले, क्या करें, बीमारी कुछ ऐसी है, चिकन पॉक्स। फिलहाल के लिए मतलब ये गांव का जो माहौल है बहुत मुझे पसंद है यार। पहले मैं सोचता था कि अगर गांव में मेरा घर होगा, मैं गांव में रहूँगा, तो मैं खुले मैदान में चला जाऊँगा जहाँ पे सिर्फ एक पेड़ होगा, बस उसकी छाँव में ऐसे लेटा रहूँगा, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा लेटा रहूँगा, लेट के अपने बारे में सोचूंगा। फिर जब बड़ा हुआ पता चला कि जो लोग गाँव में रहते हैं वही लोग ऐसा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी ही ऐसे है यार, यहाँ पर टाइम वेस्ट करोगे ना तो आप खुद वेस्ट हो जाओगे। पैसा ही सब कुछ होता है ज़िंदगी में, लेकिन कभी कभार ज़िंदगी में, कभी कभार शायद ज़िंदगी के 90% अगर पैसा है तो 10% में से भी 2% कभी कभार एंजॉय कर लेना चाहिए यार। हाँ वही एंजॉय का माहौल है, सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। बाय द वे, कुत्तों की फौज मेरी तरफ बढ़ रही है, मैं उनको भगा के आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड बाय एंड लिव हेल्दी लाइफ।